लोकसभा चुनाव के बीच बाहुबली नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहां से मौजूदा सांसद मेनका गांधी को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को, तो बसपा ने उदय राज वर्मा को यहां से टिकट दिया है। खास बात यह है कि बीते दिनों ही बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने चंद्रभान सिंह पर जुबानी हमला भी बोला था। न्याय यहाँ हम लोग बहुत जल्दी मदद करते हैं लेने में। यहाँ दूसरा ये क्षेत्र जो था ये क्रिमिनल बेल्ट था, अब ये क्रिमिनल बेल्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में हैं। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से रामभुआल निषाद को टिकट दिया है, लेकिन चुनाव से पहले इस सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर जिले की इसौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह मंगलवार को सपा में शामिल हो गए। सुल्तानपुर में चंद्रभद्र की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी। इस सीट पर करीबी मुकाबला था और मेनका गांधी मात्र 14,526 वोटों से जीत हासिल कर पाई। जहां मेनका गांधी को करीब 4,59,000 के आसपास वोट मिले थे, वहीं चंद्रभद्र सिंह को 4,44,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। चुनाव में बीजेपी और सपा के वोट प्रतिशत की बात करें तो 1% से कुछ ज्यादा का ही अंतर। अब चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में कर लिया है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव को चंद्रभद्र फूलों का गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं। सपा के लिए वो कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व विधायक का पार्टी में स्वागत खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। सपा में आने से पहले वो बसपा में थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उनकी एंट्री सपा से ही हुई थी। चंद्रभद्र पहली बार सपा से ही विधायक निर्वाचित हुए थे, बाद में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी, उससे पहले उन्होंने सभी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया। तब से अब तक चंद्रभद्र निर्दलीय राजनीति करते नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।